हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेडचैट क्लास में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं बात करूंगा एक टैबलेट के बारे में जिसका नाम है रेस्टिल 0.25 mg अल्प्राजुलम के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ 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 डॉक्टर की सलाह या पर्ची के बगैर कोई दवाई ना इस्तेमाल करें, और ये दवाई तो डॉक्टर की सलाह के बगैर ना लें। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में जानोगे कि ये कितनी ख़तरनाक दवाई है और इसके कैसे एडवांटेजेस हैं, डिसएडवांटेजेस हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो अल्प्राजुलम इसका कंटेंट है 0.25 mg। इसके अंदर तीन कंटेंट्स आते हैं, 0.25 mg, 0.5, 0.1 mg। तो दोस्तों, रेस्टिल जो होता है 0.25 mg सिप्ला कंपनी ने बनाया है, और ये आपको मार्केट में मिल जाती है, लेकिन बिना डॉक्टर के पर्ची के बगैर नहीं मिल जाती है। अब इसका जो कंटेंट है अल्प्राजुलम, ये क्या करता है, ये बेंजोडाइजेपिन होता है, ब्रेन पे एक्ट करता है, आपके ब्रेन पर एक्ट करके आपको क्या करता है, आपको नींद आने में मदद करता है। सिर्फ नींद ही नहीं, आपकी एंग्जाइटी दूर कर देता है, और आपको पैनिक अटैक्स जो होते हैं वो दूर कर देता है, जहाँ बेचैनी होती है वहाँ तो वो दूर करता है। अल्टीमेट जो रिजल्ट्स होता है वो होता है आपको नींद आ जाती है। जो जब नींद आ जाती है तो क्या हो जाता है, आपको डिप्रेशन, यानी जैसे कि मानो कि इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने को मिल जाते हैं। अभी आपको जो इसके जो आपको लगता है कि इतनी आसानी से नींद आ जाती है तो टेंशन दूर हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। मानो कि आपको जैसे टेंशन होती है, या कोई जैसे कि ट्रेजडी होती है घर पर, या कोई एक्सीडेंट होता है जहाँ पर आप देखते हो नींद नहीं आती है, तो ये आपको डॉक्टर प्रिफर करते हैं, देते हैं, या फैमिली स्ट्रेस की वजह से। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, जैसे कि आपको हेलुसिनेशंस होना, आपको ये इरिटेबिलिटी होना सुबह में, और जब विड्रॉ करेगा तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको माइंड आपका स्टेबल नहीं होगा, और आप डिपेंडेंट हो सकते हो, और आपको जॉन्डिस हो सकता है, आपको फिट्स आ सकते हैं, और आपको ये हद से ज़्यादा लेने से जानलेवा भी हो सकती है। तो ये जो इसके, और मेमोरी लॉस हो जाती है, आपको आगे का कुछ याद नहीं रहता है, ये छोटे छोटे प्रॉब्लम आपको देखने को मिलते हैं। इसको थोड़े समय के लिए इस्तेमाल किया जाता है, काफ़ी लंबे समय तक नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए, स्पेशली ओल्ड एज जो होते हैं उनके लिए। और बीपी आपको चेक करके ही देना होता है, क्योंकि अगर बीपी कम होती है और ये देते हो तो और बीपी कम हो जाएगी, ओके, तो आपको ज़्यादा स्ट्रेस हो जाएगा और कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। ओवरऑल रिजल्ट इसके बहुत एक्सलेंट है, बहुत बढ़िया क्वालिटी की प्रोडक्ट है। और याद रखिए, बच्चों से दूर रखिएगा, क्योंकि बच्चे अगर गलती से भी एक गोली खाते हैं तो कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, रेस्पिरेटरी ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकते हैं, जहाँ पर जानलेवा चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे मेडिसिन को आपको एहतियात करना होगा और प्रिकॉशंस लेनी होगी। ओके दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को। टेक केयर, बाय।